लोग कहते हैं कि भक्त तो निस्वार्थ होता है, पर मेरे जैसे और देश में जो बहुत सारे भक्त हैं, सबके लिए प्रसाद तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी जगह जाकर के दर्शन करने का। मुझे सबसे पहली बार जब इनविटेशन आया तब मुझे कई लोगों ने कहा कि आप प्लीज जितनी भी जगह आप जाएं अयोध्या के दर्शन के लिए आप उनकी वीडियो शेयर करें। तो मैंने उसकी शुरुआत करी पुरी से, फिर अयोध्या से। मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरा वीडियो आखिरी होगा, पर मुझे इतने कमेंट्स या फीडबैक्स आते हैं कि मुझे लगता है कि अगला वाला आखिरी हो, तो ये मैं वो कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं जब वापस आया अपने होटल में तो मुझे लगा कि क्यों ना प्रसाद खाया जाए, और तभी मैंने सोचा कि प्रसाद खाते हुए या फिर प्रसाद देते हुए आप लोगों को भी उसके बारे में बताएं। तो मैंने अभी तक प्रसाद खोला नहीं है, ना मैंने प्रसाद दिया अभी तक। मैंने सोचा आप लोगों को बताया भी प्रसाद क्या है और प्रसाद के साथ क्या चीजें मिली हैं और उसके साथ में खुद भी खाएं। तो ये सबसे पहला एक टिफिन बॉक्स है जिसे कहा गया है अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में। तो ये प्रसाद हमें मिला है, इसमें बहुत सुंदर भव्य मंदिर का चित्र भी है और राम जी भी हैं। देखते हैं क्या है। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है, बेसन के लड्डू। माँ बड़ी खुश होंगी, ऐसी ठंडी में कोशिश करती हैं कि बेसन के लड्डू खाएं। अभी बेसन के लड्डू साथ में प्रसाद की तरह भी मिल रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम तो बहुत ही बढ़िया प्रसाद लेने के लिए सैकड़ों की भीड़ लगी हुई थी, पर हमने कहा दर्शन होने के बाद में कोशिश पूरी रहेगी कि प्रसाद लेकर के आए। हमारे कुछ मित्र थे वहां पे, एंटरप्रेन्योर मित्र जो वॉलंटियर्स भी थे, मुझे नाम याद आ रहा शिवेन, तो उन्होंने ला करके मुझे प्रसाद भी दिलाया और कहा कि वो खुद कल सुबह दर्शन करने जाने वाले। मतलब इनक्रेडिबल प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने लोग वॉलंटियर्स थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक ही प्रसाद नहीं, दूसरी प्रसाद भी है। इस पे लिखा हुआ है प्रसादम अयोध्या धाम, और एक और बात बड़ी सुंदर भव्य मंदिर का जो है यहाँ पे चित्र भी बनाया हुआ है, पिक्चर भी बनाया हुआ है। तो देखते हैं अंदर क्या है। अरे वाह, इसमें तो बड़ी सारी चीजें हैं। तो एक है गुड़ रेवड़ी। जब हम मंदिर गए थे तब भी हमें गुड़ रेवड़ी मिली थी। अभी अभी लोहड़ी से हम बाहर निकले हैं तो रेवड़ी का ऐसे जमाना भी चल रहा है, मौसम भी चल रहा है, तो उसके बीच में मिला है। फिर है रोली अक्षत और लड्डू। एक मेरी वीकनेस है कि प्रसाद में अगर लड्डू मिल जाए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तो अभी साथ ही चख लेते हैं। उसके बाद में रामदाना चिक्की, तो सारी एक से एक चीजें हैं। इलायची दाना, उसके साथ में राम दिया जिसे आज मैं लगाने वाला हूं रात को, और रक्षा कलावा। प्रसाद खुद तो खाते भी हैं और अपने दोस्तों के लिए खिलाते हैं। अब हम हमारे जितने दोस्तों तक पहुंच सके उनके लिए तो लेके जाएंगे, पर आप लोगों की तरफ से मैं सोचता हूं कि थोड़ा और प्रसाद खाने बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग आए तो ये भी प्रसाद जरूर लेके जाए अपने साथ में। सारी चीजें हैं खाने के लिए और घर परिवार में भी सब लोग एक्साइटेड हैं कि प्रसाद खाएं, तो अब मैं जाकर के लोगों को देता हूं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आज के लिए शायद इतना ही।